Like and subscribe my channel for more interesting videos and please comment how do you like the video. My channel, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मीटर बैंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों मीटर बैंड क्या होता है, ये कहाँ यूज में होता है, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो मीटर बैंड होता है वो एक फैब्रिकेटेड बैंड होता है, मतलब कि आपके स्ट्रेट पाइप को कट करके कुछ इस तरीके से शेप में दिया जाता है। दोस्तों जितना ज्यादा आपका कट होगा उतना ही ज्यादा ये स्मूथ फ्लो अंदर आपका फ्लूड होगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम में किस तरीके से ये जो दो कट है जहाँ पे वहाँ पे इतना स्मूथ फ्लो नहीं होगा, आपका फ्लूड प्रेशर ड्रॉप होगा जब, लेकिन इसमें आपका एकदम स्मूथली फ्लो होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो स्ट्रेंथ जो होगा वो पुअर होगी और इसमें स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है कि आपका जो ज़्यादा कट होने की वजह से आपका फ्लो स्मूथ होगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दोस्तों जो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है डी फ्लूड मतलब होता है दोस्तों नॉन हैजार्डस फ्लूड में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों प्रोसेस लाइन में ये 14 इंच के अबाव इसका यूज़ किया जाता है, 14 इंच के अबाव, जबकि यूटिलिटी लाइन में ये आपका 6 इंच के अबाव इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों ये कुछ था बेसिक सब इन्फॉर्मेशन मीटर बैंड के लिए दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मीटर बैंड एक्चुअली में होता कहाँ है, कितने इंच से ये यूज में लिया जाता है और कितना कट होने की वजह से इस पर प्रेशर ड्रॉप होता है, स्मूथ फ्लो होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। और दोस्तों एसएमईबी 31.3 पे इसको मीटर बैंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 5 कट तक, मतलब 5 कट के ऊपर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक सा आपका इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों एक इनपुट दिया हुआ है आपका, मतलब कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके लिए वो है पाइप साइज, कितने इंच का पाइप है, शेड्यूल नंबर क्या है इसका, कार्बन स्टील कौन सा मटेरियल है और बैंड एंगल कितना है, 90 है, 90 कुछ इस तरीके से 90 है या 45 है कुछ ये एंगल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ कट कितना करना है, 3 करना है, और रेडियस ऑफ बैंड मतलब यहाँ से आपका ये रेडियस, ठीक है, ये कितना है आपको, वो है 5D। दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपका 8 इंच को आपने चेंज कर लिया दोस्तों, वो कहाँ पे था, टेबल 1A, ठीक है, टेबल 1, ये वाला टेबल पे आप देखोगे 8 इंच के लिए कितना है ये आउटर डायमीटर mm में दोस्तों 219.1, ठीक है। तो दोस्तों आगे शेड्यूल ये लिख लिया हमने जो भी है, और रेडियस कितना था 5 × D, मतलब कि 5 × 8 × 25.4, ये आपका इंच टू mm में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 8 इंच दिया हुआ है ना, हम mm में कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों 1016 mm आपका रेडियस आ गया, मतलब कि ये आ गया यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो R जो आया था वो ये डिस्टेंस आया था, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये रेडियस आपका वो क्या है 1016 mm। अब दोस्तों जो फॉर्मूला है वो है एंगल ऑफ कट इक्वल टू बैंड एंगल, बैंड एंगल कितना था दोस्तों 90, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कट कितना था 3 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका 15, क्योंकि 0 और 2 से कैंसिल होगा, ये कितना बचेगा 15 डिग्री, मतलब कि आपका ये एंगल जो आया वो 15 डिग्री आया। और फिर जो इसके अपोजिट वाला जो ये वाला एंगल रहेगा दोस्तों वो भी क्या आएगा 15 आएगा, और 15 और बीच का क्या हो जाएगा 30, क्योंकि बीच में बचेगा 60 को डिवाइड करेंगे 2 से वो आ जाएगा। और बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो 15 आया उसका डबल आपका होता है ये θ2, ठीक है, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब सिंपल सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, 10 15 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट आपको मान लो x1, ये सेंट्रल लाइन लिया मैंने x1, दोस्तों ये 15 डिग्री है ना, जो डायमेंशन यहाँ पे आएगा वो सेम डायमेंशन आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि एंगल सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, आर भी सेम है और एंगल भी सेम है, आर भी सेम है और एंगल भी सेम। तो जो x1 आएगा वो भी x1 यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ मैंने। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 10 15 इक्वल टू x डिवाइड बाई 1016, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई, मतलब x1 आ गया आपका, ठीक है। फिर सेम 10 15 इक्वल टू ओ मीन्स क्या दोस्तों, आउटर, ठीक है, या आउटर डिवाइड बाय 1125.6। दोस्तों ये डिस्टेंस अभी देख लेते हैं ये कैसे आया। दोस्तों इसका जो रेडियस था कितना था, 219 का कुछ हाफ कितना होता है दोस्तों, रेडियस निकालने के लिए 109 कुछ होता है, 109, ठीक है। तो 1016 में 109 ऐड कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है।
और आपका 1125 में से आपका 219 निकाल देंगे, मतलब 219 निकाल देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 906.5। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या आया, ये डायमेंशन आया है। तो दोस्तों फिर 1015 इक्वल टू आई डिवाइड बाई 906.5, तो ये दोस्तों ये क्या इनर का आपका रेडियस आ जाएगा, तो आई इक्वल टू 242.8। तो कुछ ये आपका जो डायमेंशन है ये आ गया दोस्तों। अब 15 है, ये 30 है और ये रेडियस सेम है आपका, है ना, रेडियस सेम है, तो इसका डबल हो जाएगा ये, ठीक है। आउटर का डबल ये मतलब 301.6 का डबल हो जाएगा 602, ठीक है। फिर X1 का डबल ये, फिर ये इसका डबल ये, तो आपको सारे डायमेंशन जो है वो निकल गए, ठीक है। फिर अब क्या करना है दोस्तों, वो देखना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप रिक्वायर्ड द मीटर बैंड। दोस्तों अब देखना यहाँ पे ये है कि आपको सारे डायमेंशन निकल गए, आप कोई सा भी एक डायमेंशन ले लो, या तो इनर ले लो, तो इनर लोगे तो सारा इनर लेना पड़ेगा, आउटर लोगे तो सारा आउटर लेना पड़ेगा। सिंपल याद रखना आपको मिडल लेना है, ठीक है, मिडल ले लेना है आपको, हमेशा याद रहेगा कि मिडल लेना है हमेशा। तो मिडल का डायमेंशन मतलब X1 लेना है, X1, X2, X2, X1, ठीक है। तो और ये बीच का कट कितना रहेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके कौन सी कटिंग हो रही है। अगर गैस कटिंग हो रही है तो 10 लेना है आपको, ठीक है, गैस कटिंग हो रही है तो 10 लेना है, और अगर लेज़र कटिंग हो रही है तो 3 mm लेना है, ये याद रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। 10 mm फॉर गैस कटिंग और 3 mm फॉर लेज़र कटिंग। तो यहाँ पे गैस कटिंग है तो मैंने 10 mm का क्या लिया है, मैंने क्लियरेंस लिया है, तो 10 mm रख के पूरा प्लस किया मैंने, तो ये आपको डायमेंशन mm में निकला, ठीक है, mm में ये मिला हमें, तो ये मिला। तो इसको इससे क्या मिलेगा हमें, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना वेट है, तो वेट देखिए 8 इंच पे कितना है, 19.44, तो 19.44 से 1.663 मतलब कि mm में, ठीक है, सॉरी मीटर में लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है kg पर मीटर में दिया हुआ है ना, तो 150.40 आपका वेट निकल गया। तो ये आपके मीटर बैंड की कैलकुलेशन के लेंथ निकल गया, वेट निकल गया। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड प्लीज कमेंट हाउ डू यू लाइक द वीडियो।